आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले 5 दिनों में चौथी बार बढ़ोतरी की गई है। आज यानी कि शनिवार को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 80-80 पैसे बढ़ा दिए हैं। अब दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर मिल रहे हैं। इससे पहले 22, 23 और 25 मार्च को भी 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही तेल के दाम बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया था। 137 दिनों तक तेल की कीमतें स्थिर रही थीं। फरवरी के महीने में पिछले 5 दिन महंगाई को बढ़ाने वाले रहे हैं। 22 मार्च से अब तक रसोई गैस और सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, तो वहीं पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ ही रहे हैं। पिछले दिनों रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि भारत के टॉप फ्यूल रिटेलर्स IOC, BPCL और HPCL को नवंबर से मार्च के बीच करीब 2.25 अरब डॉलर यानी कि लगभग 19,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार रिफाइनर को नुकसान से बचाने के लिए कीमतें बढ़ाने की अनुमति देगी। लगातार 2 दिन 80-80 पैसे बढ़ने पर मूडीज ने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि पेट्रोल डीजल के दाम एक बार में ना बढ़ाकर धीरे धीरे करके बढ़ाए जाएंगे। जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत निर्धारित करती थी और हर 15 दिन में इसे बदला जाता था। 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार निर्धारित करती थी। 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने यह काम भी ऑयल कंपनियों को सौंप दिया। अभी ऑयल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीज़ों का ध्यान में रखते हुए रोज़ाना पेट्रोल डीजल की कीमत निर्धारित करती हैं। केंद्र सरकार ने अप्रैल से दिसंबर 2021 तक पेट्रोल डीजल समेत पेट्रोलियम उत्पादों पर 3.31 लाख करोड़ रुपये टैक्स से वसूले हैं। यह खुलासा एक RTI से हुआ है। एक RTI के जवाब में सरकार ने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर 37,653.14 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क वसूला गया, जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 2,93,967.93 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए हैं। इधर एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो केंद्र सरकार अब तक 13 बार ड्यूटी में इजाफा कर चुकी है, जबकि महज 4 बार इसे घटाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।